यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक धरने के लिए आए थे, लेकिन पुलिस ने हमें बंद कर लिया, डिटेन कर दिया। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए, न्याय के लिए हम लोग सड़क पे उतरे थे, लेकिन लगातार देख रहे हैं पुलिस प्रशासन हमेशा कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ धरना देने आए थे। हमारी डिमांड है कि तीसरी बहन को जल्दी से दिल्ली एम्स रेफर किया जाए, घर बार पे दबाव न बना जाए, उनको CBI जांच की जाए और योगी आदित्यनाथ पर खुद जाए। योगी सरकार का जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हमारी डिमांड ये है, हमारी डिमांड ये है कि जो हमारी तीसरी बहन है उसको तुरंत दिल्ली एम्स रेफर किया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ना कि योगी सरकार के दबाव में उनपे पारिवारिक प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है। इलाज के लिए कहां योगी आदित्यनाथ ऐसी सरकार को तो अपनी सत्ता छोड़ देनी चाहिए। इस सरकार में ना तो महिलाओं के लिए सुरक्षा है, बार-बार देख रहे हैं दलित महिला के साथ रेप हो जाता है, किसी दलित महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। किस तरीके से यहाँ पे सरकार कर रही है, उन्होंने देखा नहीं है कि ये साफ साफ नजर आता है कानून कोई बनी नहीं है। एक महिला अगर रेप पीड़िता है वो लगातार लड़ने के लिए न्याय की गुजारिश करती है, लेकिन उसको न्याय तक नहीं मिलता है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको यूपी भवन से दिखा रहे हैं, जो उन्नाव में मामला हुआ था उसको लेकर आज यहाँ पर कुछ लोग विरोध करने आए थे।
Nareshbhai,